सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और ये है संडे का दिन का ब्लॉग, डेट है 6 तारीख की। तो यहाँ देखिए, मैं धुल रही हूँ कपड़े। तो ये सारे कपड़े धुल चुके हैं, तो अब जा रहे हैं ऊपर इनको डालने। और ऊपर जाल बंद है ना, तो थोड़ा अंधेरा सा रहता है, तो लाइट ऑन रखनी ही पड़ती है सारी, क्योंकि जाल खोल देते हैं ना तो पानी का डर रहता है कि पानी तुरंत अगर बरसता है तो तुरंत ही आंगन मतलब भर जाता है पानी से, इसलिए ढक के रखते हैं। इस वजह से क्या है ना कि थोड़ा नीचे अंधेरा सा रहता है, तो लाइट ऑन रखनी ही होती है। तो बस चलिए चलते हैं, सारे कपड़े फैला देते हैं। धूप है लेकिन उतनी धूप नहीं है, जो मैंने सुबह कपड़े डाले हुए थे कल के, जो अच्छे से सूख नहीं पाए थे, वो सारे कपड़े अब अच्छे से सूख गए हैं, उनमें थोड़ी थोड़ी धूप लग गई है, तो वो मैं हटा रही हूँ और जो अभी धुल के लाई हूँ उन कपड़ों को डाल रही हूँ। आज ऐसा होता है ना कि जो कपड़े एक दिन में नहीं सूख पाते, हमें उन्हें फिर से सुबह डालना होता है ताकि उनमें अच्छे से धूप लग जाए। तो वो तो सूख चुके हैं, लेकिन अब ये कपड़े मैं डाल रही हूँ। और आज काम बहुत सारे हैं, लेकिन ये है कि बारी बारी से सारे काम कर लेते हैं। नाश्ता बच्चों के लिए मैंने बना ही दिया है, बस लंच बनेगा, तो लेकिन ये है कि काम पहले ख़त्म कर लिया जाए। तो यहाँ देखिए, जो कपड़े कल के वो परसों के सुखा के रखे हुए थे उनको सबको तह कर लेती हूँ। और मैं कपड़े तुरंत तह करके इसलिए नहीं रखती क्योंकि अच्छे से धूप तो लग नहीं पाती कपड़ों में, तो कपड़ों में स्मेल सी आती है। तो इनमें मैं क्या करती हूँ, इनमें पलंग में डाल देती हूँ, फैन चलता रहता है, तो उससे क्या है कि जो और स्मेल सी होती है वो दूर हो जाती है। और यहाँ देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, पता नहीं कहाँ से इतनी सीलन आ रही है। नीचे तो फ्रेंड्स देखिए, पता नहीं कहाँ कौन सी गलती हो गई, ये तो ये लोग समझ सकते हैं। पूरे में पानी आ रहा है, देखिए इस तरीके से पानी, मतलब पूरा हाथ गीला हो रहा है। ये वाला मैटर तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये कैलेंडर यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि कैलेंडर के पीछे भी पूरा पानी भरा हुआ देख सकते हैं आप लोग। मतलब इस तरीके से सीलन आ रही है कि पूरा पानी ऐसे बह रहा है, मतलब की बारिश इसी में हो रही है। अब ये मुझे मिस्त्री बुला के दिखाना पड़ेगा कि आखिरकार कहाँ से कौन सी प्रॉब्लम है कि जो पेंट के ऊपर पानी आ रहा है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। प्लास्टर के ऊपर है, ऊपर से पानी आ रहा है, सब गड़बड़ हो गया। अगर ये तो फर्स्ट बरसात है, अगर ऐसा ही करता रहा तो समझ लीजिए ये तो पूरा पेंट ही निकल आएगा, पूरा पपड़ी पपड़ी बन के निकल जाएगा, सारा पेंट खराब हो जाएगा। बड़ी समस्या है, बोलते हैं ना कि काम तो होता है लेकिन काम में कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि अब देखिए, दिखाएंगे तब पता चलेगा कि इसमें है क्या। और सच में दीवार का हाल देखा आप लोगों ने, पता नहीं कैसे क्या है, मिस्त्री को बुला के ही दिखाना होगा। और यहाँ मैंने सारी बुक जो है इनकी निकाली हुई है आज, इनमें से जो काम की नहीं, काम की क्या मतलब, अगले साल की है, लेकिन ये है ना कि उनको मैं अलग करके निकाल कर रख दूँ, बिल्कुल खाली क्या मतलब है फालतू में ढेर ज़्यादा गर्मी पड़ता हो। ये भी आधी खाली है, पर लिख नहीं सकते, नहीं नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, कहीं नहीं लिख सकते, इतनी तो भरी है, पूरी खाली है। देखो पहले लिख कैसे नहीं सकते हैं हम लोगों ने, पता हम लोगों ने जमाने में कैसे लिखी, अब तो इतनी साफ पाई पेज में आ रही, एकदम गंदे पेज आते थे ये रजिस्टर, देखो इनमें लिखते थे, इनमें ऐसे में इससे भी रद्दी पेज आते थे। और नई बैग बना तो नई बैग बना, झोला कैसा सिल दिया मम्मी, झोला ही ले गए, झोला में पड़े हैं, ठीक है। बस इसमें 5 पेज भरे हैं, 5-7, देखो बस इतने पेज भरे, पूरी कॉपी खाली है। मेरी थोड़ी है, रख दो मम्मी, मम्मी रख दो। दो कॉपी काम की है, ठीक है, बेकाम की थोड़ी हटा दी जा रही। देखो ये रब घर में काटे कुत्ता बेकार है, घर में तू देख सकते हैं, चूहा ने काटी है, देखो पहले पलट के तो देखो, घर में तो लिख सकोगे, घर के ना चूड़ा है।
मैं पूरी पड़ी है देखो, इतनी इतनी बर्बाद देखो, अभी ये मान के चलो। सब सब कॉपी आधी आधी है, आधी 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 लिखी है, बड़ा पूरा फटाई दे रही हूँ ना, जो चीज जरूरत की नहीं है फालतू में क्यों रखो इनकी। मैं ना इनके अच्छे अच्छे पेज निकाल के इनकी कॉपी रेडी बना दूंगी, कवर चढ़ा के ये कॉपी में बना दूंगी, देखिए कॉपी रेडी हो जाएगी तुम्हें। देखो पूरी पूरी कॉपी खाली है, 5-7 पेज भरे हैं बस, इसमें इतने पेज भरे हैं, पूरी कॉपी खाली। मम्मी मेरी तो भी। अब इनमें ऐसा करेंगे इतना इतना निकाल के और पंच करके प्रिंटिंग करके कि कॉपी रेडी कर देंगे, सही बन जाएगी कॉपी, बोलूंगा बन भी जाओ। और इसके बाद अभिषेक को ऊपर चढ़ा दिया है, तो ये ऊपर कर रहा है साफ, और इसमें साफ करने के बाद पेपर बिछा के जितनी भी यूजलेस किताबें हैं यहाँ रखवा दूंगी मैं, ये अगले साल की हैं बच्चों की, और बुक मैं बेचती नहीं हूँ कि कबाड़ में बेच दें, ये रखी रहती हैं, अगर किसी को ज़रूरत होती है तो दे देते हैं, बाकी रखी रहती हैं। तो बस यहाँ अभिषेक कर ले साफ, तो यहाँ पेपर बिछा के ये सारी जो बुकें हैं जो मैंने अलग की हैं वो यहाँ पर रखवा देती हूँ। और आज के दिन ना बच्चों के पास भी टाइम रहता है, तो बच्चे भी पूरी पूरी हेल्प कर देते हैं, तो यहाँ गोलू है, अभिषेक है, मैं के पापा यानी सब लोग लगे हुए हैं। और यहाँ देखिए गोलू लगा है सारी बाल्टियों को धुलने में अच्छे से, बस ये है ना कि अगर मिल बांट के काम होता है ना तो काम हो भी जाता है, बाकी अकेले में तो काम सच में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, और मैं तो सच में थक भी जाती हूँ, तो मुझे सबकी हेल्प थोड़ी थोड़ी लेनी होती है। तो यहाँ गोलू भर रहे हैं पानी, उन किताबों के मैंने पैकेट बना के रख दिए हैं, तो वही मैं ऊपर रखवाती जा रही हूँ, तो जब किसी को ज़रूरत होगी अगर कोई मांगेगा तो फिर निकाल के दे देंगे, वरना रख ही रहेंगे, तो बस यहाँ रखते जा रहे हैं। और गोलू यहाँ सारी बॉटल जितनी है वो भर के रखते जा रहे हैं फ्रिज में, तो ये काम ये कर रहे हैं। और यहाँ आ गई हूँ मैं अब अंदर का बेड सही करने, बेडशीट वगैरह जो मैंने धुल के रखी हुई थी वो मैं सूख गई हैं, तो वही मैं रख रही हूँ इकट्ठी करके। और आज मुझे अलमारी पूरी खोलनी है, सारे कपड़े निकालने हैं, कुछ कपड़े अगर धूप दिखाने वाले होंगे उनको धूप दिखाऊंगी, क्योंकि पता ना कवर्ड में रखे हुए भी कपड़ों में ना अलग सी स्मेल सी आ रही, सच में ये मौसम ऐसा ही होता है कि इसमें अलग तरीके की स्मेल आती है, आप मतलब कपड़ों को कितना अच्छा धुल के रखिए कैसे भी रखिए, लेकिन नमी की वजह से ना कपड़ों में बहुत स्मेल आती है। तो मैंने सारे कपड़े देखिए आज बाहर निकाल लिए हैं, कुछ कपड़ों को धूप दिखाऊंगी क्योंकि धूप भी तो इतनी अच्छे से निकल नहीं रही है। तो यहाँ मैं क्या है कपड़ों की तह करके रखती जा रही हूँ फिर से, और थोड़ा देर खुला रहेगी तो इसमें थोड़ा स्मेल भी दूर होगी, और इसमें थोड़ा मैं वो जो गोली होती ना कुनैन वाली वो रख दूँगी, तो उससे शायद इसमें स्मेल दूर हो, क्योंकि ये बंद रहता है और नमी वैसे भी रहती है। तो कपड़े तो मेरे सारे कवर्ड में लग गए हैं, और बहुत टाइम लगा क्योंकि सारे मैंने निकाले फिर रखे, थोड़े थोड़े से काफ़ी टाइम लग गया, और सच में आज काम एक के बाद एक एक के बाद एक बहुत काम हो जाता है। और यहाँ जो बेडशीट चेंज की थी, पिलो कवर, ये सारे चीज सेट किए हैं, तो बस अब यहाँ मैं आ गई हूँ थोड़ा साफ करने ये फ्लावर वगैरह में, क्योंकि रोज़ तो इन्हें साफ करते नहीं है, तो धूल डस्ट तो है ही, वो ही जाती है, तो बस यहाँ मैं कर रही हूँ साफ। और काम करते करते कितना टाइम निकल गया कुछ पता ही नहीं चला, यहाँ मेरी हो गया है दवा का टाइम अब, तो यहाँ मैं अपनी ले रही हूँ दवा, थोड़ा लेट ही हो गया क्योंकि काम में लगे रहे तो मतलब दिमाग से भी बोलते हैं ना निकल जाती कोई चीज़, तो बस मैं अपनी ले रही हूँ टैबलेट। सो फ्रेंड्स आज थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, संडे ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है,
और अब हो रहा है 4:45 का टाइम, यानी 3:40 हो चुके हैं। और तो फ्रेंड्स अब मैं फ्री हुई हूँ, लव वगैरह खा के मैं जाऊँगी थोड़ी देर रेस्ट करने। और संडे है ना बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता, हद से ज़्यादा, अगर करेंगे नहीं तो वो और भी ज़्यादा काम बिगड़ता ही चला जाता है। और ये बरसात वाला मौसम ऐसा है कि अगर कोई भी सामान आप नहीं देखेंगे तो उसमें नमी बैठ जाती है, सब चीज़ कपड़े हो या किचन का मटेरियल हो सब चीज़ ख़राब होने लगती है। तो आज पूरा दिन उसी में हो गया, तो बस मैंने दवा खाई, अब करूँगी रेस्ट और यहीं पे करूँगी अपने ब्लॉग की एंडिंग। और हाँ, मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ कोई मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ एक अच्छे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।